बोर्ड सफेद है, 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 बोर्ड सफेद, बोर्ड का रंग कैसा वो नहीं पता, बोर्ड सफेद है। रटना अंधे बोर उतना नहीं बनना, तो हर आदमी लगभग याद ही करता है, उसे रटना थोड़ी कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बल्कि 99% बच्चों की यह समस्या है कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो आज कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं सर जी हम भूल जाते हैं, तो भूलना एक अच्छी बात है, बुरी नहीं। लोग कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई भाई, हमारे पिताजी आज से लगभग 20-25 साल पहले मान लिया निपट लिए, ठीक है, अब हम उसे याद करके घूमे, अरे यार पिताजी खत्म होगा, हमारी नानी निपट गई मान लिया, हमारे बाबा निपट गए, हम ये सोच के घूमते रहे, रोते रहे। जिस दिन कोई एक्सपायर होता है उस दिन लोग कितना रोते हैं, लेकिन क्या 13वें दिन बैठ के मस्त मटर पनीर खा रहा होता है बैठे हुए। और मजबूरी है, भूलना पड़ेगा, अगर आप भूलेंगे नहीं तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत मशहूर राइटर है, उन्होंने एक बात कही है, वी ऑफन फॉरगेट दोज थिंग्स व्हाट वी वांट टू फॉरगेट, हम वही चीजें भूलते हैं जो हम भूलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हम लोग छतरी भूल जाते हैं, हम दवाई खाना भूल जाते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब यार छतरी कौन लेके जाएगा, पानी कहीं खत्म होगा रख दी कोने में टिका के चले आएगा, ठीक है। तो हम लोग वो चीजें भूलते हैं जो हमारे ऊपर बोझ है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ आप इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि आपने उसे बोझ एज अ बोझ ढो रखा है और उसे ढो रहे हैं, एक्चुअल में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसकी हम आपको बताने वाले। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, हर आदमी की मेमोरी की एक लिमिट होती है, हालांकि हमारी मेमोरी अनलिमिटेड चीजों को सही है वो समझते हैं, लेकिन मेमोरी की एक लिमिट है। जैसे मान लिया हम पिछले 11 सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं हम मान लिया 10 बार किसी चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है, हमने कहा मान लिया हमने कुछ भी कह दिया, कोई एक एग्जांपल बताया हमने ये और बताना है कि इसमें क्या होगा, हमने सरल भाषा में कुछ भी कह दिया, हमने कह दिया फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कुछ बच्चे उसी एक ही बार में कैच कर लेंगे, कुछ 2 बार में, कुछ को हम 10 बार याद करवाते रहेंगे, फिर भी उनसे कहीं पूछो बेटा बताओ, नहीं मालूम होगा। तो हम लोगों की जो मेमोरी है वो लिमिटेड चीजों को ग्रहण करती, तो हम लोग कोई टेंशन की बात नहीं, इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए कुछ आपको टिप्स अपनाने पड़ेंगे। नंबर एक, आपने गजनी पिक्चर देखी होगी सर, गजनी पिक्चर कौन सी थी, आमिर खान वाली, उसमें वो क्या करता था, भूल जाता था हर 15 मिनट में चीजों को भूल जाता था, हालांकि हम लोग आमिर खान तो नहीं है, हमें थोड़ी देर तक याद रह जाता है या याद ही नहीं होता, तो वो करता क्या, यहां लिख लेता है, यहां लिख लेता है, यहां लिख लेता है, वो चीजों को लिख लिख के याद करता है। तो आपको क्या करना है, अब आप आमिर खान नहीं है जो आप लिखेंगे और फिर भी नहीं याद कर पाएंगे, तो नंबर एक प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है सर, कुछ लोग कहेंगे ये बात तो हमें भी पता है सर, कोई बात नहीं सर अभी समझाते हैं। नंबर एक आपको प्रैक्टिस करनी है, और तब तक प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस में भी जैसे जिम कभी आप जाइए तो वो लोग बताते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको अंधाधुंध, लोग क्या करते हैं पूरे दिन भूखे रहे, शाम को अंधाधुंध खा लिया, नहीं सर, थोड़े थोड़े गैप है, फिर एक एप्पल खाया, फिर थोड़े गैप पोहा खा लिया, फिर थोड़े गैप आप फिट रहेंगे। तो लगातार बर्डन नहीं डालना, क्या करना है आपने प्रैक्टिस की और फिर उसके टच में ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना, ठीक है। मान लिया आपने आज पढ़ा, 3 दिन बाद उसे उठा के देखा आधा उसमें से उड़ गया होगा आपके दिमाग से, फिर 6-7 दिन बाद फिर देखा बोले फिर थोड़ा सा उड़ गया, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चीजों को सुना पाएंगे। जैसे मान लिया हमसे कोई अगर कहे, लगभग कुछ भी कहे कि सर जी ये सुना दीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजाम में 12th की, तो हम ऐसे ही सुना देंगे। क्यों सुना देंगे, क्योंकि पिछले 11 सालों से लगातार प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो नंबर एक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर दो, अगर आप भूलने से डर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही भूल जाते हैं, पता चला मम्मी को बाजार ले गए मम्मी को ही भूल गए, बीवी को बाजार ले गए बीवी को ही भूल गए, तो फिर वो सर थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, या फिर आपकी क्राउडिंग ज्यादा हो सकती है। क्राउडिंग समझते हैं, दिमाग में काम आप बहुत ज्यादा लेके बैठे, फालतू की टेंशन लेके बैठे। फालतू की टेंशन क्या है, पता चला फालतू दोस्तों के साथ में बकैतीबाजी भी करने जाना है, ठीक है, लड़कीबाजी करना है, और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी, रील भी बना, ये वो सब ज्यादा क्राउडिंग लेके बैठेंगे आप, तब आप भूलेंगे। तो इन सबको थोड़ा सा कम करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम पे फर्क पड़ रहा है, तो जो बाकी आप एक्स्ट्रा फालतू के काम कर रहे हैं उन कामों को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपने वो सारे काम बंद कर दिए, दिमाग ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। और एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारी, उनसे पर्सनल 1-to-1 बात हुई थी, तो उन्होंने एक ही बात कही, बोले कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, आपको एक काम करना है, आपको नोटिस करना है। अगर आपको खांसी आ रही है तो आपको दिन भर में नोटिस करना है कि एक्चुअल में खांसी हमें कब आती है। हम धूल में जाते हैं तब आती है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है तब आती है, गेहूं कट रहे हैं पड़ोस में खेत से निकल कर तब आती है। खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, और जैसे आप खुद एनालिसिस करेंगे सारी आपकी समस्या, क्योंकि जड़ पे जाना पड़ेगा। और जड़ क्या है, भूलना कोई जड़ नहीं है, बोले भूल गए, भूलेंगे तो है ही सर, क्योंकि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हम उसे भूल जाते हैं, सीधी सी बात है। तो यानी आप क्या करेंगे, लिख लिख के, नंबर एक आप लिखना तो आपको जरूरी है ही,
राइटिंग करें, नंबर दो आप प्रैक्टिस करें, और लर्न स्मार्टली, नंबर तीन लर्न स्मार्टली। स्मार्टली कैसे लर्न करेंगे सर आप? स्मार्टली लर्न ऐसे करेंगे, जुगाड़ बनाइए। मान लिया विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करनी है, लिख वासर काना मगल मंजन कर पिगड़ कोनी सन पर भक्व पटाओ, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या बता दिया, ये जुगाड़ याद करने के। लिख तो ले एल आई के बासर तो ले बी ए, एस आर काना तो सी एन ए, मगल तो एम जी ए एल, मंजन तो एम एन जेड एन, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर तो लो एफ ई सी डी, पूरी इस तरीके फिकर कोनी तो सी ओ एन आई, हकू अज पटाओ एच सी यू ए जी एच जी पी टी ए, हो गई पूरी। और इतनी लंबी आदमी कहता है यार बहुत कठिन है, नहीं याद हो पाई, थोड़ी सी जुगाड़ याद करी, हो गई सर। तो यार और ये जुगाड़ कहीं मिलती नहीं है, खुद भारतीय लोगों के यहाँ इनबिल्ट होती, खुद ही बना सकते हो। मतलब 28 राज्य थे, 29 राज्य थे, सबका क्या किया, पहला पहला शब्द लिया, 27 राज्य थे, 25 राज्य याद करने, जितने भी सबका पहला पहला शब्द लिया, एक सेंटेंस बना लिया, सुना दिया सर। तो आपको राइटिंग तो करनी है लेकिन लर्न करना है स्मार्टली। स्मार्टली का मतलब जुगाड़ बनाते हुए, लर्न स्मार्टली, जुगाड़ बना बना के याद करना है सर। और फिर एक आखिरी, जो आपका फियर ऑफ एग्जाम है यानी परीक्षा का डर है, वो सबको लगता है। अगर आप भूल रहे हैं चीजें, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। अगर आप डर रहे हैं परीक्षा से थोड़ा बहुत, वो भी नॉर्मल है, डर लगना जरूरी है। अगर डर ही नहीं लगेगा तो आदमी पढ़ेगा ही, ये फैक्ट, अगर डर ही नहीं लगेगा तो आदमी पढ़ेगा ही नहीं, तो डरना जरूरी है। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, साल भर बहुत मेहनत की, गए, भूलना भी जरूरी है, वहां पे भूल गए, लेकिन इतना याद रहेगा कि हाँ उस क्वेश्चन को आप सही से लिख पाएंगे। और यही कारण होता है जब टीचर खोपड़ी पे खड़ा होता तो बच्चा क्या करता, थोड़ी देर लिखना बंद कर देता, या लिखता इनमें निम्न, इनके निम्न कारण, ऐसी लाइन लिखने लगता। वो क्यों लिखता है? क्योंकि वो बना, लगभग हर आदमी थोड़ा ऐसा कोई नहीं तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी से उतारे, और कॉपी से उतार भी रहा तो जो टीचर ने लिखवाया उसने भी थोड़ा बना के लिखवाया होगा, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ पॉइंट्स आप अगर फॉलो करें, नंबर एक अपनी मेमोरी की लिमिट को बढ़ाएं, लिमिट को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस क्राउडिंग को आपको खाली करना, उसे खाली करना, एम्प्टी करना पड़ेगा, यानी क्राउडिंग जो आपकी बहुत ज्यादा फालतू की जिम्मेदारी ले रखी है, रीलबाजी कर रहे हैं, दोस्तबाजी कर रहे हैं, बकैतीबाजी कर रहे हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो क्या करना पड़ा, लर्न स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से, ट्रिक्स बना बना के नहीं, गाने गा गा के लोग, जैसे बचपन में बच्चों से आप लोग कह रहे रटना से, रट नहीं रहे। पहली बात, कहीं ना कहीं कहा जाए रटना क्या, अंधे बौरों की तरह नहीं रटना। अंधे बौरों की तरह मतलब जैसे हमारे सर जी थे, वो कहते कुछ भी, कोई भी चीज, हमने कह दिया बोर्ड सफेद है, 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 बोर्ड सफेद, बोर्ड का रंग कैसा, वो नहीं पता, बोर्ड सफेद है, रटना अंधे बौरों की तरह नहीं, बनना तो हर आदमी लगभग याद ही करता है, उसे रटना थोड़ी कहते हैं, याद करना। तो लर्न स्मार्टली, प्रैक्टिस करनी है, अपनी माइंड की जो क्राउडिंग है उसे थोड़ा सा कम करना है, और लिख लिख के याद करना है। रह गई एग्जाम की डर की बात, तो सबको लगता है एग्जाम में आप पहुंचेंगे, चीजें धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी, आप लिख देंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी बाहर निकल के आएंगे तब याद आएंगी, नॉर्मल है ये सारी चीजें होना। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी क्वालिटी आपके पास पहुंचा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।